हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसे कोई झूठ न्यूज़ फेक न्यूज़ समझ के इग्नोर नहीं करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि न्यूज़ कुछ अलग होता है दोस्तों, रियलिटी कुछ अलग है। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने वाला हूँ रियलिटी के बेस पे बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपके लिए डालते रहता हूँ। और ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए उन भाइयों तक, उस वर्कर भाइयों तक, ताकि इस चीज़ से उनको कुछ फ़ायदा मिल सके और जो गलती करने वाले हैं वो गलती ना करें। तो मैं जैसा बताया दोस्तों कि अभी क्या हो रहा है कि जो 10वीं पास है, मतलब 10वीं पास का आप सर्टिफिकेट लगाए हो अपने पासपोर्ट के साथ, तो दोस्तों उसका इमिग्रेशन नहीं होता है। वो बगैर इमिग्रेशन को यहाँ पे आ सकता है ईजिली। और जो दोस्तों 10वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है अपने पासपोर्ट के साथ, तो दो दोस्तों उसे इमिग्रेशन करना पड़ता है। मतलब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करती है आपके वीज़ा को, तब जाके इमिग्रेशन होता है आपके पासपोर्ट पर, तब आप यहाँ पर UAE के अंदर वर्क वीज़ा पर आ सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों अभी इमिग्रेशन कराने में बहुत ज़्यादा पैसे भी लग रहा है और किसी किसी को हो भी नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों को हो भी जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वहाँ पे भी, आपको पता है। जबकि इंडिया में इमिग्रेशन होता है वहाँ पे ही घुसखोरी ज़्यादा है, आपको मालूम है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के पासपोर्ट बनवाने वाले हो तो आप अपने मार्कशीट ज़रूर 10वीं का, अगर 10वीं पास हो दोस्तों, तो 10वीं पास का मार्कशीट ज़रूर पासपोर्ट में लगा लें। नहीं तो दोस्तों, आपको आज ना कल आपको अगर GCC में आना है, पासपोर्ट आपको आप बना रहे हो तो ज़्यादातर बाहर में ही हम लोग काम करने के लिए आते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। तो दोस्तों उस टाइम आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको बहुत सारा कंपनियां वीज़ा इशू नहीं कराएगी, या तो फिर वीज़ा अगर इशू भी कर दिया तो इमिग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेट होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। तो जो भी आपका भाई है या और लोग हैं या आपके जानने वाला पहचानने वाला, तो ये राय ज़रूर दे देना। नहीं तो दोस्तों ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कर देना, नहीं तो दोस्तों उनको बाहर आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हाँ, जिसका ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों और वो 3 साल से ज़्यादा दुबई में रह चुका है या ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, तो अपना पासपोर्ट फिर से रिन्यूअल करा लेता है दोस्तों, तो पासपोर्ट ये हो जाता है, ठीक है, SCNR हो जाता है दोस्तों। तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको पता है कि हाँ गल्फ में ये आदमी रह चुका है। और नहीं तो दोस्तों फिर 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर होगा, उस टाइम आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। मान लीजिए हम अगर कराएंगे, हमारा 12 साल हो गया, हम कराए हैं ऑलरेडी, तो हमारा ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं भी 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था उस टाइम, तो मेरा ऑटोमेटिक ये हो गया था दोस्तों पासपोर्ट। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको ये सब गलती ना करें। और अपना पासपोर्ट बनवाने का तो दोस्तों 10वीं का मार्कशीट जरूर लगा लें। मार्कशीट लगाने से दोस्तों यही फ़ायदा है और उनको नुकसान होने से बच सकता है। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।